बहुत ज्यादा इसको लगता है जो है ना भूख लगी है। बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, किसने रुलाया? खास तौर जो इनकी जब मैं कुछ नहीं बोलती तो फिर कहाँ, किसने रुलाया इसको? चलो जी, रात के बजने वाले हैं 12, अभी हम होने लगे हैं ऑफिस से 9, 2, 11। तो जाने से पहले पानी पी लेते हैं, बड़ी प्यास लगी है। तो यहाँ डिस्पेंसर भाई, यहाँ से पानी पी लेते हैं। तो पानी दे लिया है और पानी जो है ना बैठ के पीना चाहिए, तो बैठ के आराम से तसल्ली से पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, बताना नहीं चाहिए यार, वैसे पता है क्यों, कभी भी मुझे निकलवाना हो किसी दुश्मन ने तो मेरी कंपनी का नाम बता होगा। वैसे इससे पहले गाइस एक बहुत पहले की बात है, कोई कंट्रोवर्सी हुई ना तो ईमेल आई थी हमारे एचआर को, मेरे से रिलेटेड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये आज मैं बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो इसलिए ना हर चीज ना थोड़ा बहुत वो रखनी पड़ती है, डिस्क्लोज हर चीज नहीं करनी पड़ती। और मजे की बात, कॉमेंट्स में ना हमारे एचआर का नाम भी मेंशन कर रहे थे कि ये आपके एचआर में होते हैं और उनको हमने ईमेल सेंड कर दिए, और ये बाकी सच बात है। हाँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस कमेंट्स के। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। उस कमेंट के स्क्रीनशॉट रखे हुए थे और फिर मेरे एचआर से बात की, उन्होंने बोला कि आप अपना मसला है, इट्स योर पर्सनल मैटर, हमारा कोई मसला नहीं है, आप जब तक अच्छा काम कर रहे हो आपको कोई नहीं निकाल सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो ये सीन गाइस आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये आपको कंपनी दे देते हैं जब तक आपके बाइक वाले नहीं आ रहे ना। ना गाइस, रात के 12 बज चुके हैं, आज 4 से 12 मेरी शिफ्ट थी और यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। तो खैर, भाई को थोड़ी कंपनी देते हैं, इनके बाइक वाले आ जाए राइडर, फिर मैं और हैदर भी यहाँ से रवाना होंगे। लिंक में कब आए यार? आज के लिए हूँ। चलो भाई, ये भाई जो ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, तुम नहीं करे? आपको ले चुका हूँ। अरे वाह यार हैदर, थैंक यू यार, भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं। यही हूँ मैं, यही हूँ यार। खड़े हो के सब्सक्राइब कराया जा रहा है। खड़े हो गए के आपने किया भाई? ना भाई। अच्छा, ये सब्सक्राइब हो गया भाई, ये बेल आइकन भी हो गया। पूरे लियारी वालों को करवाना है, ठीक है? फिर जरा लियारी में रहता नहीं हूँ, वाह खुदा। अच्छा, रहता नहीं हूँ लियारी में। नियर टू लियारी है ना? नियर टू लियारी है। हाँ, किसी दिन लियारी का टूर करवाएंगे। चलो आओ, चलो क्या, कोई किडनैप वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं, इतना अच्छा नहीं। अबे तुम्हारे को कौन किडनैप करेगा यार? मेरा कॉलेज जो है ना वो नियर टू लियारी था, नाम ही ले सकता। ब्रांडिंग हो जाती है। हाँ, नहीं उसको जरूरत नहीं है ब्रांडिंग की, नेवी का कॉलेज है। सही सही, समझ गए, मैं समझ गया। तो वहीं नज़दीक थे ना, तो वहाँ पर ना उस ज़माने में 2000 बने कम की बात करूँ, उस वक्त जो ना एक खौफ था ना, बहुत खौफ था। अब तो बिल्कुल चिल एरिया हो गया, अब रात को 3 बजे जाओ। अच्छा, आप सेफेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा सेफ है। अच्छा, सेफ है, तो कभी टूर कराएंगे इंशाल्लाह। इतने भी सेफ नहीं है कि आप बस मोबाइल लेके से निकल। वही मैं कह रहा था ना, वही देख रहे, रिश्तेदार आ जाते हैं, निकाल देंगे। हाँ भाई, जो सामान हमने रखवाया था वो निकाल। चलो भाई, मेरा बाइक है वाला। चलो भाई, से बस स्टैंड मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, मिलते रहेंगे। काम करते हैं, पता ही नहीं था। चलो आ जाओ हैदर भाई। हाँ चले भाई, चले। तो घर जाने से पहले मैं लेने आया हूँ घर के लिए आइसक्रीम। तो वहाँ रखी हुई भैया आइसक्रीम, बाहर बारिश भी हो रही है यार। ये बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरी नहीं चाहिए, ये यही ले लो। कौन सी वाली? ये, हाँ ये वाली है ना, ये पूरा ठंडा होता है ना, तो ये ले रहे हैं। कोई अच्छा फ्लेवर बताओ वनीला के अलावा, वनीला और चॉकलेट स्ट्रॉबेरी का बिल्कुल नॉर्मल से कोई अच्छा फ्लेवर दिखे। कैरेमल करें, ये ना कैरेमल एंड वनीला। हाँ ये कैरेमल एंड वनीला, कैरेमल गुड़ होता है ना। यस, तो कैरेमल एंड वनीला दे। तुम कुछ खाओगे? कुछ भी नहीं, यू कैन बाय दिस नहीं नहीं कैरेमल एंड वनीला, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई पिस्ता। तुमने कुछ लेने? पक्की बात है, फ्रूट वगैरह सब रखे हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। चलो भाई, सिर्फ हमने आइसक्रीम का ये ठंडा पकड़ा है, अब दिल पे करते हैं और फिर हैदर भाई को घर के थोड़ा सा आगे छोड़ते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या है, यहाँ पर तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर बारिश का नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और गाइस, यहाँ से थोड़ा सा आगे जो ना गिजरी का ब्रिज है, वहाँ पर जो ना ठीक ठाक बारिश हो रही थी, अभी जाते हुए गिजरी में ना आपको दिखाएंगे, बारिश जो ना वहाँ ठीक ठाक हो रही थी। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर बारिश का नामो निशान नहीं है, बस एक जो है ना स्ट्रीट का डिफरेंस है। ये देखें गाइस, यहाँ बारिश हुई है, वहाँ पर जो ना चकली रोड में नामो निशान नहीं है। चलो भाई, ये वैसे बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ पर बहुत स्नैचिंग होती है, मैंने सुना है, कभी अलहमदिल्ला हुई नहीं है, ऐसा नहीं अभी रिसेप्शन अभी हो जाए। क्यों इधर हुई नहीं? अरे भाई, इसके साथ हो चुकी है, जल्दी भगाओ भाई। और गाइस, यहाँ पर हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं, कल संडे करीम करा क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर बारिश हुई है, ये भी सड़क गीली है। तो भाई
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा स्नैचिंग वाला सीन तो बता दो जो सुना रहे थे। तो यही फोन है जो स्नैच हुआ था और मुझे वापस मिल गया। और भाई साहब किस्मत देखो कितनी अच्छी है, दो फोन थे दोनों स्नैच हुए और दोनों वापस मिल गए। वाह भाई फोन घर पे रखा है ये ना। अच्छा तो बड़ी मुश्किल से भाई बाइक पार्क की है क्योंकि टायर जो ना गीला था और यहाँ पर स्लिप हो रहा था। तो खैर बाइक जो ना सही सलामत मैंने पार्क कर दी है और आइसक्रीम भूल ना जाऊँ, आइसक्रीम भी जो ना उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। यहाँ आ जाएं भाई, ये पकड़ें पहले, ये आपके लिए मिलाया हूँ और ये मेल्ट भी मेरे ख्याल से हो रही है क्योंकि इसमें से पानी निकल रहा है। तो ये सबसे पहले डीप फ्रीजर में रख दें, उसके बाद आप मैं खाना खाते हैं और फिर जो है ना इन्जॉय करते हैं आइसक्रीम। अबू कहें अम्मी सो गई हैं, चलो फिर सोने देते हैं कल। अम्मी अच्छा भूख लग रही है, चलो भाई बैठते हैं खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। तो गाइस व्लॉग तो मैंने कब से स्टार्ट कर लिया है, ऑफिस से निकलने से पहले स्टार्ट कर दिया था और अभी आप सबसे भी सलाम दुआ कर रहा हूँ और फातिमा से भी मैंने पाँच भी सलाम दुआ किए। तो अभी फातिमा के साथ जो ना खाना इंजॉय करते हैं। फातिमा इस वक्त खाना गर्म करिए, बनाया क्या वैसे आज? दाल चावल। ओए दाल चावल मेरे फेवरेट, दाल चावल। तो दाल चावल खाते हैं और बाकी बची कुची रात को सोने से पहले जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ आज दिन के टाइम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बड़ा ही मसला पेश आया था और वो क्या था वो आपको बता देंगे व्लॉग एंड करने से पहले। फातिमा के जो ना आज जेवरों जैसे आंसू निकले हैं वो किसकी वजह से निकले हैं? हाँ जी जेवर है ना आपके आंसू यार मेरे लिए तो। अच्छा। हाँ आपका हर आंसुओं का तरह मेरे लिए जेवर है। थैंक यू। तो वो जेवरात आंखों से क्यों निकले हैं वो भी आपको बताएंगे, किसकी वजह से निकले वो भी और सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल खाना शाना खाते हैं, पहले पेट में कुछ जाएगा फिर एनर्जी आएगी। हाँ मेडिसिन भी खाने हैं। खाना शाना निकाल लिए, फातिमा आप निकाल लें मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। सही है ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी खाना शाना निकाल लें। ओए होए होए जो है ना खुशबू आ रही है। तो गाइस खाना लग चुका है और खाने वाले भी जो है ना बैठ चुके हैं और अभी जो है ना अभी बिल्कुल अभी हसीब भाई कॉल आई थी, आज सैटरडे नाइट है टूर्नामेंट चल रहा है तो मुझे बुलाया उसने मैच खेलने के लिए कायद आजम की मज़ार के पास। तो मैंने कॉल लाउड स्पीकर पर लगाई हुई थी और पीछे से जो है ना फातिमा भी वो कॉल सुन रही थी। जा सकते हैं? जा सकता हूँ बिल्कुल। दिल से कह रही है? दिल से कह रही हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं नहीं जाऊँगा, काफी दिनों से अपना ही गया ना, तो आप जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा। रात के गाइस एक बज रहे हैं तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि फातिमा को अकेला छोड़ के जाऊँ। अम्मी तो वैसे घर पर हैं, अम्मी को सुबह छुट्टी है लेकिन अम्मी सो रही है ना। हो गया ना। और जब तक मैं नहीं आऊँगा आपने नींद नहीं करनी। तो फिर क्या हो गया? नहीं क्योंकि गाइस ऐसा है ना सुबह मैंने भी ऑफिस जाना है, दूसरा ये ऑफिस का तो मसला नहीं है, वैसे भी मैं क्रिकेट खेलना ख्वार हूँ बहुत ज़्यादा ख्वार हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन खैर अभी खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खाना खा रही है और बिल्ली जो ना बार म्याऊं म्याऊं कर रही है। हाँ जी क्या हो गया क्योंकि नहीं गुस्सा नहीं करो फातिमा। फातिमा जी रुको रुको खाना आ रहा है आपका, खाना आ रहा है यार। ऐसी कटोरी खा ली है, इसको जो ना खाना डाल दो। टाइम हो गया ना इसका, एक मिनट जो सर एक मिनट। फातिमा खाना खा रही है, वो खा लिए फिर जो ना आपका खाना आता है। दूध के अलावा भी इसको डाल दिया कुछ, इसको जो ना खुला ही रखते हैं ताकि बिल्ली को आसरा हो। भाई दरवाजा खुला है इसका मतलब कुछ आ रहे हैं, इसको भी कुछ डाल दो यार। नहीं मैं कभी भूल जाती हूँ सुबह या शाम दोपहर को, तो यहाँ जाते अलार्म बजा दे। ये अलार्म है इसका? चलो भैया देखो अभी तक अलार्म बजा रही। हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आपकी फातिमा आप ही जो है ना आपके लिए ला रही है। भैया तो बहुत जो है ना शोर कर रही है बहुत ज़्यादा, इसको लगता है जो है ना भूख लगी है। हाँ वॉश कर लो इसको पहले। ये देखें भाई बाकी इसको बहुत भूख लगी थी। वैसे दूध से इसकी भूख मिल जाएगी? नहीं दूध पीती है, चिकन भी खाती है। तो चिकन हमारे पास फ्रीज वाली है, दूसरी लेनी होगी ना? दूसरी हो जाती ना। हाँ। मैंने इसके अलावा निकाल के रखी थी, आज खत्म हो गई। चलो भाई कल जो है ना हम परिंदों का तो खाना ले आए थे लेकिन इसका जो है ना खाना गोश्त वाली दुकान से उनके लिए अलग जो है ना मेरे ख्याल से निकाल के रखते हैं जी, क्योंकि मामू ये ना अक्सर ले जाते हैं मुझे आइडिया है। तो इसके लिए कल जो है ना इसका खाना चिकन लेके आएंगे। तो अच्छा मैं जब आया ना तब ये नहीं थी, तब इसका जो ना अलार्म ये शोर करती, ये जब हम खाना खाने बैठे ना तब इसे पता चला भाई इस वक्त जो ना वकार भी आ गए और खाने का टाइम भी स्टार्ट हो गया तब भी आइए। सही टाइम पे आइए वैसे।
उसको पता ना कि सब खा रहे तो मेरा भी टाइम हो गया। हाँ। ये वहाँ पर सोई थी ना, चेयर सामने पड़ी है ना। अच्छा। चेयर सामने वहाँ पर सोई हुई थी। अच्छा भाई, तुम्हारी सही पार्टनर मिल गई, तुम्हें सही सिक्योरिटी देती है, मतलब ये ईमान ले आई थी ना। हाँ। ईमान तो फिर ही गई है, अब ये जा नहीं रही है। अच्छा, अपनी फ्रेंड ईमान को भी बहुत मिस कर रही होगी। बस ईमान ने चली गई, अभी मेरे साथ। अच्छा चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ। चलो जी, बाय बाय, हम जा रहे हैं। गुड नाइट, आ जाओ भाई। तो अभी इसे बंद कर देते हैं। गाइस, खाना खाने के बाद हसीब भाई से मैंने माजत कर ली कि भाई मैं नहीं आ सकता, और यहाँ पर देखें भाई, फातिमा ने पूरे जो ना इंतजाम किए हैं मेरे मैच पे ना जाने के। वो कैसे? वो बोला ऐसे भाई, यहाँ पर देखो मेरे सारे शूज, 1 2 3 आगे भी रखे हुए व्हाइट वाले शूज, सब जो ना शूज वॉश किए हुए। अच्छा, मुझे याद है कि मैंने उनके शूज वॉश करके रखे हैं। हाँ, और मैं मैच पे पहन के जाऊंगा, अगर जाता भी सही, इन केस मैं जाता भी सही तो मैं क्या पहन के जाता? शूज तो सारे वॉश किए हुए, मौके पे लग गए। चौका मैच में हम कैसे मारेंगे चौके, यहाँ पर तो मौके पे चौके लग गए। क्या बात है भाई, आपको पता चल गया कि आज सैटरडे नाइट है, आज मैच? नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि काफी टाइम से अब नहीं गए ना मैच। हाँ। तो मुझे आइडिया होगा कि आप ना पहले जाते थे, 1-2 दिन पहले बता देते थे। वैसे जो ना मैच का मुझे भी पता नहीं था, सीन ऐसा था कि मैं ऑफिस से निकला, घर पहुंचा, उसकी जो ना ऑफिस में कॉलें और मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उस वक्त मेरा नेट कनेक्ट नहीं था। तो घर आके जैसे ही पहुंचा तो भाई उसके मैसेजेस और कॉल रिसीव हुई है, तब मुझे पता चला कि भाई मैच पे मुझे पधार रहे हैं। लेकिन खैर, मेरा दिल भी खुद नहीं था फातिमा को अकेले छोड़ के जाने का, और किस्मत ने भी चाहा कि मैं मैच में ना जाऊं, क्योंकि शूज तो सारे वॉश हुए हैं। हाँ जी, आइसक्रीम खानी है? हाँ जी, आइसक्रीम खानी है? अभी फेरा दे रही है। तो गाइस, अभी जिन्हें क्या ये जो बिल्लियाँ होती है ना। हाँ। ये चूहों को भी नहीं आने देती। हाँ। चूहों की दुश्मन होती है खास। अच्छा। और छिपकली हो गई। अच्छा, छिपकली तो मुझे बहुत ज्यादा बैड लगता है। ये सीन है। हाँ, ये बहुत ज्यादा, मतलब कि ये दुश्मन होती है एक दूसरे की। गाइज, मुझे भी ना इससे बहुत लगाव अटैचमेंट होने लगी है, क्योंकि ये जो ना हमारे साथ, अगर हम ऊपर जाते ना तो हमारे पीछे बीच ना ऊपर आ जाती है, और इसके अलावा नीचे आते हैं तो फिर नीचे आ जाती है। अभी देखें, इसको जो ना हमने दूध दिया है, और ये देखें कितनी खामोशी से बैठ गए, और ये है फालतू, जल्दी नहीं। तो भाई, आइसक्रीम आ चुकी है। वैसे फातिमा की फेवरेट तो चॉकलेट है। वैसे आज मैंने सोचा कैरेमल और वनीला दोनों ट्राई करते हैं। चॉकलेट खा खा के आप बोर हो गई होंगी, फिर आज ये ट्राई करें और बताएं कैसी लगी आपको। कैसी लगी? अच्छी है। चॉकलेट अच्छी है या अच्छी है? चॉकलेट के बाद दूसरा नंबर इसी का। अच्छा, पहले नंबर पे अभी भी चॉकलेट है जी। अभी मैं ट्राई करता हूँ। वैसे मेरी चॉकलेट इतनी फेवरेट नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है। वनीला पसंद है, चॉकलेट इतनी नहीं है। लेकिन अब ये ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम मैं खुद कैरेमल वनीला ट्राई कर रहा हूँ। मज़ेदार है। गाइज, अभी करने लगा हूँ मैं नाश्ता, फ्राइड एग, और आज जो है ना ब्रेड की जगह मैंने पराठा बनवाया, क्योंकि डेली ब्रेड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसे मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे। साथ में चाय, एक पानी का गिलास, जो कि नाश्ते से पहले पियेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे। यहाँ पर देखें जी, दोस्त ने सुबह सुबह नाश्ता फोड़ के ना केले केले हमसे धोखा कर दिया। दोस्त, आप सोए हुए थे ना, मुझे भूख लगी, आसरा नहीं किया, फिर आसरा तवान कर दिया। चलो भाई, अभी हम नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद ऑफिस चलते बनते हैं। चलो भाई, आज संडे था तो अम्मी की थी छुट्टी, और अम्मी को जो ना आज अपनी बहू से बहुत प्यार हो रहा है। ये कल इसकी बहू जो ना रोई है। क्यों? बस किसी ने रुलाए। किसने? बस है, किसी ने रुलाए। बता तो सही भाई। दोस्त बता दें, रोने के बारे में मैं बहुत वो हूँ, खिलाफ है। हाँ। अच्छा, मुझे साथ बताओ किसने रुलाया। बस किसी ने रुलाया, वो आपको पता चल जाएगा। रोना वोना मुझे बर्दाश्त नहीं है, किसी का भी हो। अच्छा, बाकी ये कि बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, किसने रुलाया? खास तौर जो इनकी, जब मैं कुछ नहीं बोलती तो फिर किसने रुलाया इसको? हाँ, ये बात है। दूसरी बात ये है कि खास तौर जो इसकी बहू है फातिमा और निशबा, अगर कोई भी उसको गुस्सा करेगा, आप या मेरे को, ये जब मैं भी हूँ, ये छोड़ती नहीं है। फिर समझ रहे हो, पीछे लग जाती है, फिर बदला लेके रखती है। ये मैं गाइस जो है ना, जिसने रुलाया ना, छोटी सी बच्ची स्कूल से रुलाया। बस अभी नहीं बता रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी बता दो ना, अभी लास्ट वार्निंग दे दो, बस लास्ट वार्निंग दे दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है? पहली पक्की बात है, पहली गलती, मगर आपको बताना पड़ेगा मुझे। चलो बता दूंगा, ठीक है? मुझे बताना कि किसने रुलाया, कैसे हुआ, सही रोने वाली, पता तो चले हमें, पता तो चले हमने, घर में किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। बस ये कल रो पड़ी, मेरे पास वीडियो भी है।
अच्छा हाँ मेरे पास गाइस वीडियो भी है, वीडियो भी जो ना बात है, मुझे बताना किसकी गलती है क्या है, फिर मैं सुनूंगी, फिर मैं खुद बात इंसान फैसला करेगी, फैसला चलो ठीक है, और के फैसला करने से बेहतर है कि मैं खुद करूंगी, तेरी गलती होगी तो मेरी गलती क्या, मतलब मेरे रूल है, हो सकता है ये मुझे क्यों बोल रही है, मैंने इतने रुलाए तो कितने रुलाए, मुझे क्या पता, घर में तो आप दो होते हैं। अच्छा जरूरी है कि दो बंदे जो है ना आपस में लड़ेंगे और रोएंगे और क्या है? नहीं वो ये बात है कि तुम लोग, मुझे क्या पता किसने रुलाए, बताओगे तो ना, रहते तो आप दो हो ना, शक तो इसी के ऊपर और तो पहले भी दूसरा तो किसके ऊपर शक करें, अच्छा दूसरा तो कोई बंदा, आप भी तो होते, आप भी तो होते हैं तो दोस्त, दोस्त मैं आ जाऊंगा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, अगर आप आ गए तो आपको भी नहीं छोड़ेगी, ये ऐसे रोने वोने वाला किस्सा नहीं करता। अच्छा बताए, अच्छा ये रुलाने वाला किस्सा नहीं करता, मतलब आपको भी नहीं रुलाया कभी? नहीं मेरी अलग बात है, लड़कियों की अलग बात है। चले गाइस ऑन अ सीरियस नोट, कल जो है ना आपने देखा होगा व्लॉग, मैंने दिन वाला कोई नहीं लगाया क्योंकि फातिमा ने ना कल रो रो के बुरा हाल कर दिया था, तो आज संडे है, अम्मी की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो जो है ना बस कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बस ये है कि फातिमा रोइए, क्यों रोइए, किसकी वजह से रोइए तो वो भी बताऊंगा, और लास्ट वार्निंग है भाई, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो है ना फातिमा रोइए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, अम्मी की भी लास्ट वार्निंग है, ठीक है। अच्छा आप क्यों रो रही हो? नहीं अभी नहीं रो रही ना, अभी तसल्ली होगी, तसल्ली होगी, तसल्ली होगी उसके बारे में, कोई भी बात हो ना मुझे शाम को बतानी चाहिए, सही नहीं मैं बता दूंगा, मिल के बता देंगे, ठीक है, सही है, क्यों रो रही है, किसने बुलाया, सही है, और वक्त आने पे गाइस आप सबको ही बताएंगे, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, अभी ऑफिस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टाटा अल्लाह हाफिज, अब बहुत जल्दी अल्लाह हाफिज करने की, सबसे पहले मैं पंखा बाकी बंद है क्योंकि ये ना चले, अरे दोस्त क्या बात है, क्या बात है, तो करनी थी, कैसे समझ गए इसकी बात, चले चले अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज दोस्त, एक बार फिर से अल्लाह हाफिज।